अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ टीन ग्राउंड। आज ईद का दिन है और मेरी हालत देख के कहीं से भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, बल्कि आज नहीं पिछले कोई एक हफ्ते से 4-5 दिनों से ख़राब ही है। और मैं अभी उठी हूँ, मतलब लाइक लिटरली अभी उठी हूँ मैं सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद। अभी 10:30 बज रहे, बल्कि 10:40 हो रहे हैं। और मैं सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद जो मैं सोई हूँ उसके बाद फिर मैं अभी जाके उठी हूँ। नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया, तो अभी जाएंगे नाश्ता करेंगे और देखेंगे कि कुर्बानी का क्या सीन है। हमारी गली में तो माशाल्लाह सबकी कुर्बानियाँ हो चुकी सिवाय हमारे, क्योंकि हमारे कसाई की बहुत ज़्यादा ही नखरे हैं, यू नो। अब बाहर के भैया कुछ ऐसी सूरत हाल हुई है, सौफ है ही सौफ है, 10-10 रुपये 10-10 रुपये। नहीं नहीं यार, 10-10 रुपये के नहीं है सौफे, ये हमारे अभी 2 दिन पहले सौफे हैं। काश 2 दिन बाद आते सूरत सही सेट हो जाता, क्योंकि हमारी जो कुर्बानी है ना, कुर्बानी वो होती है यहाँ ड्राइंग रूम में। तो इसको तो हमने माशाल्लाह कवर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे सारे की कसाई बैच वैच के काटेंगे ही। और अभी हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए, थोड़ा नाश्ता वास्ता दे दो, बेचारी बीमार बहन है तुम्हारी, शर्म वरम है कि नहीं है? नहीं है कोई शर्म? नाश्ता ऐसे अगर इंतजाम करो बीमार बहन की खिदमत करो, दुआएं मिलेंगी। हमने भैया इनको भी पर्दा करा लिए, मैंने बोला तुम लोग में इतना पर्दे में रहो, इनको भी करा दिए और इसके पर्दा। अरे अल्लाह, इसने पर्दा फिर उतार दिया, पर्दे में रहो बदतमीज, पर्दे में रहो। हाँ, इनको भी हमने पर्दा करा दिया, ठीक है। और ये रह गया बस, इनका एक साथ ही रह गया, इसको भी पर्दा करवाते हैं। नहीं, इसको पर्दा कराने की ज़रूरत है, इनको हमने इसलिए पर्दा कराया कि भैया कोई बाहर से आएगा तो आके यहाँ बैठेगा, तो हमारे नए सफर की गंदे ना हो जाए। वहाँ पर इसलिए कराया क्योंकि वहाँ सारे कसाई होंगे और कोई दूसरा बंदा आपकी चीज़ों का ख्याल तो करता ही नहीं। और यहाँ पर तो चलो हम ही हो गया, हम लेट भी जाएँ बैठ भी जाएँ कुछ भी कर लें तो आपको क्या ही बढ़ जाएगा। हम यहाँ बैठेंगे नहीं, यहाँ बढ़ जाएंगे, मंदिर बढ़ जाएंगे, मंदिर बढ़ जाएंगे, हम सारी जगह बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ेंगे। कहीं से लग रहा है आपको मैं बीमार हूँ? मतलब कहीं से लग रहा है, हमेशा को देख के लग रहा है क्या? बंदरी में बने से बस मैं ऐसे ही, कोई मैं बस ऐसे ही, लेकिन ये मैं आपके लिए ज़्यादा कर रहा हूँ। मैंने बोला क्या मैं लो एनर्जी में ब्लॉग बनेगा तो आपको ना अपनी एनर्जी फुल हाई रखेगा, फुल हाई मतलब जितना हो सकेगा उतना रखेगा। हमने सबको पर्दा कराया है और मुझे याद है मैं इतनी आई हुई, मुझे फिर चक्कर आ रहे हैं, एनर्जी लो हो रही। और मुझे सुबह याद है मैं ऐसी सोई हुई थी कि मेरे घर वाले आए भाई नमाज वमाज पढ़ के, आप पीछे से कर लो थर 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 थर, मेरी अम्मी पतीले, अम्मा मेरी ना पतीले निकाल दिए, लेकिन आपने मुझे बहुत कर लिया। और अभी मैं अपना यार देख सकती हूँ, अभी मैं देख रही हूँ मैं यहाँ खड़े होकर मैंने ब्लॉग बनाया, पीछे इस गेट के ऊपर इतना कबाड़, एक जगह पे एक चीज लटकी हुई, दूसरी जगह पे दूसरी चीज लटकी हुई है, तारों पे अलग तो चीज़ें लटका हुआ है। फिर मैंने बोला यार चलो फटी करो, मैं सालों से हमारा घर रखी लोग तो कर रही। हाँ, मैं सुबह की स्टोरी सुना थी कि सुबह मेरे घर वाले आए भाई नमाज़ पढ़ के, और हमारे घर में होते हैं कि जब नमाज़ पढ़ के आए तो फिर सब गले वाले मिल के ईद मुबारक बोलते हैं, और लाइक दिस हैपेंस हर घर में होता है, हमारे घर में कुछ स्पेशल नहीं है। आज मेरे भाई नमाज पढ़ कर आए और मैं इतनी धुन थी, मतलब मुझे आए उन्होंने इतने मदद से बोला ईद मुबारक, मुझे अंदर तक आवाज थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूँ, मैं जाऊँ, मैं जाके बोलूँ ईद मुबारक हक करूँ। और ना मैंने अभी तक उनको मिली हूँ, क्योंकि मैं बहुत बहुत लेट उठी हूँ और वो लोग भी बाहर थे, और ना उन्होंने अभी तक मुझे देखा कि ये लड़की है हमारे घर में, ये कदर जिंदा सलाम है। कोई बात नहीं, अभी आएंगे, अब उनके फ़ोन हमारे कपड़ों से लगे, बोलेगी ईद मुबारक। मुझे भी अपनी अम्मा से डांट पिट रही है कि भैया उठो हो जाकर तैयार हो जाओ, और आज मैं जगह जगह बैठ बैठ के ब्लॉग बना रही, खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। लेकिन भैया नहीं होना तैयार, भैया हिम्मत नहीं है, क्या कर ज़बरदस्ती हो तैयार होना है। और अभी वैसे भी थोड़ी देर बाद मैं कसाई बन जाऊँगा, हमारी मास्टर से कहीं दबा हो चुकी है, मैंने बोला था ना मेरी अभी तक कमाई नहीं हुई, इतना हो चुकी, थोड़ी देर बाद हमारे घर में अंदर गोश्त रह जाएगा, फिर सारे कसाई आ जाएंगे, फिर जब सारे कसाई जाएंगे उसका मैं भी कसाई बन जाऊँगा, तो फिर मैं क्यों तैयार हूँ? वैसे ही मुझे कसाई बनना तो मैं क्यों तैयार हूँ, है ना? बिल्कुल महारानी की तरह मैंने अपना नाश्ता सेट कर लिया, अब हम जो आएंगे अपना नाश्ता करवाएंगे। इतने लेट हम नाश्ता करें, क्या टाइम हो रहा है मामा? 1 बज रहा है सुबह के, 10 बजे 10:30 बजे की मैं उठी, अभी 1 बजे में नाश्ता करी। ओह माय गॉड, आई एम सो कूल। हमारा बच्चा थक गया, देख रहे हैं आप इस लड़के को, ये सुबह से लगा हुआ है कसाईयों के साथ, कसाई बना हुआ था। पीछे मुड़ो, ये वाला किसका? हमारे घर में ऐसी वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग बताएं आप लोग के घर कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। भैया जीन पे मैंने अपना हाथ लगा लिया, मार्शल से भी देखना कितने बड़कतीले हो जाएंगे,
फिजान ये वाले बना ली, इससे ये जाओ जो बाहर लोग बैठे उनको दे दो। मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ यार, अब मैंने तुम्हारे काम किया ना, इसके बाद तो मुझे एक अच्छा सा फालूदा भी खिला लेना। ओके आज मैं यहाँ मेरा भाई गरीबों के टैक्टिक्स बता रहे हो कि आप भी होशियार रहे जरा। मेरे तना गोश में गोश के साथ बैठी होती है, मतलब लाइक दिस। या फिर मेरी बहन की तरह बोलती है ईयू स्मेल, धाना ऐसे करते हैं निमरा, निमरा तरह दोबारा आगे करना ईयू स्मेल आ रही स्मेल। तो आप लोग ने कमेंट करके बताना आप लोग कौन से लगे थे ईयू स्मेल आने वाली करती होती है जो उनका साइन करती है। ये मेरी ईयू स्मेल वाली बहन जब गोश वाले रूम में आ जाए, हमारे कसाईयों ने यहाँ बैठ के कटिंग 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 की, ये यहाँ क्या कर रहे हैं ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ये एक गोश है और वो भी हमारी छत पर। हमारे कसाई ने यहाँ बैठ के खेल रहे थे बैट एंड बॉल विद दिस मीट, मीटी मीटी ईट। ओके गाइस, योर कसाई इज हियर। अगर अगली पे आप लोग ने मुझसे रब्ता करना हुआ, मुझे ऐसा कसाई लेना हुआ तो आप लोग नीचे कमेंट कर दे। भुगता देना, भुगता तो मेरे साइड से ही बड़ा है। अरे माम भुगता पकड़ाना, भुगता कितने किलो का होता है देख, लोगों को पता चल जाए हाँ भाई मैं साई के काबिल हूँ कि नहीं हूँ। ओह वाह मैंने उठा लिया यार, कीमा भी बनाता हूँ मैं। अगर आपको कीमा ही बनाना हुआ आप रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हो गया वीडियो के लिए काम, हो गया ना बस इतना काम, अपने चलो वापस। फ्रेश फ्रेश रूम हो चुका है, मक्खी को भी आना था, मक्खी बता दिए कि नहीं अभी फ्रेश नहीं हुआ। फ्रेश फ्रेश रूम हो चुका है और मैं अभी जब यहाँ सफाई के लिए तो मुझे याद आया कैसे मेरा कसाई थोड़ा सा लेट आया, तो मुझे याद आया कि जो एक्स होता है वो बहुत अच्छे तरीके से काटते हो, इसी के एक्स पे बुला लेते गोश्त करवाने के लिए। और अब हम इस फ्रेश फ्रेश रूम को थोड़ा सा और फ्रेश करेंगे इस परफ्यूम, बाकी नॉर्मल पीपल जो है ना अपने रूम में रूम फ्रेशनर लगाते हैं, हम लोग अमीर लोग हैं परफ्यूम लगाते हैं। जस्ट किडिंग यार, हम लोग गरीब लोग हैं, बस रूम फ्रेशनर से हम परफ्यूम लगाते हैं। हमारा कीमा हो चुका है रेडी, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। कौन बोलेगा ये, और अगर आपके घर में ऑयल की ऐसी ऐसी बॉटल नहीं है, डाल दिया है हम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं हम ऑयल डाल रहे। अच्छा प्रिटेंड हो रही है, प्रिटेंड। अगर आपके घर में ऑयल की ऐसी बॉटल नहीं है तो उसका मतलब आप बहुत अमीर हो, हम बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, इसलिए हमने ऐसी, हमने नहीं मेरी अम्मा अम्मा हुजूर ने वालिदे मोहतरमा ने ऐसी बॉटल रखी हुई। अब हम पैन को अच्छे से ऑयल से कर देंगे तर तर कर देंगे तर, और इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आपने क्या गैस चलाई है, ये क्या गैस चल रही है, हाँ गुड। मेरे अपने बहन को वैसे मुझे खाना बनाना था, लेकिन मैं अपने बहन को सब कुछ सार सार सिखा रही होती हूँ। सर आप मेरे व्यूअर्स को बताएं आज आप बना के रहे, यार पीछे कितना गंदा आ रहा है यार, आप लोग एडजस्ट कर लेना ठीक है। हाँ चलो हम क्या लोगों से क्या छुपाने, हाँ पता है भाई व्लॉगिंग है ऐसा, फ्री स्टाइल व्लॉगिंग है। हमारे पाइप आ रहा है पाइप, मेरी स्मार्ट बहन तुम ऐसे करके मुंह के अंदर घुसा के नहीं बनाते आप, तुम थोड़ा सा आगे करके बनाओ ना। हाँ ऐसे बना के अभी यहाँ पाँच समाज बना रहे हैं कीमा। हमने जो मैं सबके दिमागों का बनाती हूँ आज वो हम अपने घर में बना रहे हैं। हमने दोपहर में बनाए थे कलेजी और फिर मैं सो रही थी तो उसकी रेसिपी आपने रिकॉर्ड नहीं की ना। यस तो मैं आपको सिखा दूंगी कलेजी, कलेजी ऐसे मुझे पर्सनली पसंद ही पसंद है। कलेजी बहुत मजे की बनी थी बंदर के जान। आजी अभी अजी अजी आई मैंने अपनी बहन को बोला है कि आज हम बनाएंगे रात में कीमा, और कीमा मत कीमा हम रेडी हो रहे हैं। अगर मेरी मदर ने देखा कि हम इस से खाना बना रहे हैं तो ट्रॉले होने वाली है, शी विल गोना स्क्रॉल अस। सब दिखाना जरूरी अगर आपके घर पे अगर आपके घर पे से मांग बना के डब्बे नहीं तो उसका मतलब है आप अमीर हैं। अभी मैं ये वाला व्लॉग का ये क्या पीछे ये मेरी स्पॉट बॉय स्पॉट बॉय लाइटें खोलते हैं सच्चा। मैं अभी ना ये व्लॉग का जो ये वाला जो मैंने पोर्शन एडिट किया ना
पूरे ब्लॉग में मुझे ना सबसे ज्यादा एडिटिंग का जो मजा है ना वो इस वाले पोर्शन में है। गाइस अब हम इसमें जा रहे हैं सारे मसाले वसाले। बाहर का कैमरा इतना बकवास क्यों हो रहा है? ओके कूल यार कूल। मसाले डालो मसाले। चलो बस ये सारे मसाले हो गए। बस ना इतने लंबी चौड़ियां नहीं करो, जल्दी जल्दी दिखाओ व्यूवर्स को मैं इतना सारा मसाला। मैं बीमार बंदा हूँ, मेरा बड़ा वाला भाई भी बीमार बंदा है, मेरी अम्मी बीपी के पेशेंट हैं। सीरियस तुम इतने मसाले वाला खाना उनको खिलाओगी? ओह माय गॉड। ये बनाया आपने? हाथ तो हटाओ, चिट्टो चिट्टो आ रहा है वो देखें मेरी नलायक बहन को। ये हमने बहुत ही बकवास खाना लग रहा है सबल से, लेकिन खाने को मजे का खाने को हम बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि अल्लाह का रिस्क है। लेकिन आपके हाथों में स्वाद मिला है, मैं जरा हाथ लगाऊँ, मेरे हाथ लगाने से स्वाद आ जाएगा। स्वाद स्वाद वाला। हाँ क्या खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर अब हम लेमन थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे। ओके इट्स एन ऑप्शन, अब अगर आपने स्क्वीज करना है तो आप स्क्वीज कर सकते हैं। साथ में हम रायता बनाएंगे। ओके चलिए हम रायता बना लें। आप चलो प्याज काटो। जाकर मैंने अपने हाथ में कोई प्याज याद नहीं काट रही, मैं प्याज काटते थे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारी काम को मैं आंसू नहीं आते, तुम लोग हमारी तो स्टील की आंखें बनी थी ना, जैसे हम बहुत सेंसिटिव, हमारे साथ बहुत ज्यादा तेज बोल दिया ना गाइस, हमारी काम स्टील की बनी हुई है। नहीं नहीं एक्चुअल फॉर्मेट में ही आऊं ना, हमारी साथ बहुत अच्छी होगी इसलिए हमारी आंखों से आंसू हमारी भी सांस अच्छी होगी। आप चोपर में काटोगी ना फिर आपकी सांस भी देखना, आपकी सांस भी आपके आंसू बंद कर देगी। कोई प्यादा नहीं काटो। मेरी बहन ने अपने बीमार बहन का वही ख्याल नहीं किया। हाल रुको तो मैं इसे इज्जत अफजाई करूँगी। मेरी बहन ने अपने बीमार बहन को कोई भी क्या नहीं किया, क्या बोल रहा हूँ बीमारी गायब हो जाती है। हाँ तो यार लोगों को भी ट्रेंड करना है ना, लोग वैसे थोड़ी देख रहे हैं। और मैं इतने बड़े ये क्या ग्राइंडर में मैंने इतना सा प्याज काटा, लगा कुछ दो मैं इसको निकालू। और भले मैंने इसको ग्राइंड किया, भले मैंने इसको हाथों से काटे, आंसू मेरे दोनों सुरतों में निकल रहे हैं। इसमें हमने डाला है भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा। मैंने पूछा, मैं तो बताया थी लोगों को भैया रायता रेडी हो गया, हमारी रोटियां रेडी हो गई है, या अपनी रेसिपी लेके बैठी है बदतमीज, हमारा रायता रेडी हो गया या या हमारा खीमा रेडी हो चुका है, हमारी रोटी रेडी हो चुकी है, हम चलो लगा लो फटाफट फटाफट। करो लेमन कटिंग करो खाने का, सारी कटिंग मुझे तुमने काटने वाला बना दिया है। या अल्लाह ने घर के बंदे ईद है रायबा, क्या हो गया भाई? अच्छा ये तो भाई सुबह तो मुझे नाश्ता दिया था ईद का, बीमार थी मैं। गाइस आज मैं अपनी बहन को सही रोस्ट करने वाली। तुमने दिया था सुबह मुझे नाश्ता? हाँ मैंने दिया था, तुम सो रही थी, तुम्हारी गलती है। मैं सो रही थी, मैंने अपने लिए खुद बनाया फिर जब मैंने कसाईयों के लिए चाय बनाई। देखो कितने डाउन टू अर्थ हूं मैं। हम 8 बजे हमने नाश्ता किया, कसाई जो है 11 बजे आए थे। 11 नहीं मैं 12:30 बजे आए थे। कुर्बानी के बाद जो ये वाली खुशी होती है जो घर जब मुकम्मल सेट हो जाता है, ये खुशी का लेवल ही अलग होता है। आज कल मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई, इंशाल्लाह ताला कल मैं पक्का 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 आप लोगों के लिए रेडी होके व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। और आज मुझे कहीं से भी वैसे ईद वाली फीलिंग नहीं आई यार, क्योंकि मैं रेडी नहीं हुई। जब आप रेडी नहीं होते तो आपको ईद वाली फीलिंग कहाँ से आएगी, बात ना पॉइंट ना। इंशाल्लाह कल मैं रेडी होकर आप लोगों के लिए दोबारा एक और नया व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। क्या बात कर रही यार मैं, इतनी इंपॉर्टेंट मुझे। हाँ और आज कुर्बानी का पहला दिन था तो लोगों ने अपने जानवर ज़िबा किए हैं, क्योंकि इस ईद पर जानवर ज़िबा होते हैं। लेकिन सिर्फ जानवर नहीं ज़िबा करने होते, आप लोग अपनी ईगो, अपनी अपना गुस्सा, अपनी बदतमीज़ी और जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं इनको भी कुर्बान करना सीखें। इनको इस कुर्बानी के साथ साथ इस कुर्बानी में आयत करें कि ये इंशाल्लाह मैं अपना मुझे बहुत गुस्सा आता है तो आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं थोड़ा अपने एंगर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूँगी, कुर्बान करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि सिर्फ हमें कुर्बान ही नहीं करनी, हमें अपने अंदर की भी कुछ जो बुराइयाँ हैं वो कुर्बान कर देनी है, ज़िबा कर देनी है, ठीक है। सो बस छोटी सी बात है ये, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में अच्छा कर लें, मतलब अपने आप को भी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। सो इसी बात के साथ हम आज के इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप कि आज का मेरा थका हुआ थोड़ा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और फिर मिलेंगे कल डे 2 के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पर अपनी फिया मान अल्लाह।